हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए अर्थ एंड यूनिवर्स टॉपिक से एमसीक्यू क्लास थर्ड के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मरकरी, बी विनस, सी अर्थ, डी नेपच्यून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मरकरी। एक्स इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। एक्स इज ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी जुपिटर, डी सैटर्न। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेपच्यून। नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इज द फार्देस्ट फ्रॉम द सन। 3, ए लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड ए प्लेट्यू, बी हिल, सी डैम, डी वैली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैली। नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए अनलाइक मून स्टार गिव्स देयर ओन लाइट, बी अनलाइक स्टार्स मून गिव्स देयर ओन लाइट, सी लाइक मून स्टार्स शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग सन्स लाइट, एंड डी Like stars, moon appears twinkling in the night sky. Correct answer है option A, moon. Number 5, the day and night are caused due to of Earth on its own. A revolution axis, B rotation axis, C revolution orbit, D rotation orbit. Correct answer है rotation is the movement of earth on its own, option B. The day and night are caused due to rotation of earth on its own axis. It is caused day and night. 6, the earth spins about an inclined imaginary line that passes through its center. This line is known as base. A equator, B axis, C orbit, D eclipse. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस। नंबर 7, डैश इज द कॉन्स्टेलेशन दैट रिसेम्बल्स अ हंटर। ए उल्ट्रा मेजर, बी लियो, सी ओरियन, डी कैसिओपिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 8, Dash was the spacecraft used by the astronaut to reach the moon first time in Dash. A. Apollo 11, 1969, B. Apollo 9, 1959, C. Soyuz 4, 1969 and D. Soyuz 7, 1959. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अभी प्लांट और एनिमल टॉपिक से भी एमसीक्यू अपने वीडियो में डाले हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज अवश्य देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर हैं ऑप्शन ए अपोलो 11 1969। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ए सैटर्न, बी विनस,
सी मार्स डी जुपिटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विनस। टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ए आर्यभट्ट, बी भास्करवन, सी वारामीरा एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 11, शेप ऑफ द माउंट दैट फॉलो अ वैक्सिंग गिबियस मून इज डैश। ए फुल मून, बी वैनिंग गिबियस, सी न्यू मून, डी वैक्सिंग क्रिसेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फुल मून। 12, व्हाई इज द सन इंपॉर्टेंट टू द अर्थ। इट प्रोवाइड लाइट एनर्जी टू ग्रीन प्लैनेट टू मेक फूड। टू, इट प्रोवाइड्स हीट टू एनेबल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। एंड थ्री, इट रोटेट अराउंड द अर्थ टू गिव अस सीजंस। ए वन एंड टू ओनली, बी वन एंड थ्री ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, डी वन टू एंड थ्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली। It provides light energy to green planet, green plant to make food, and second, it provides heat to enable living things to survive on Earth. Number 13. Light from the sun reaches the Earth in around days. A. 8 minutes, B. 11 minutes, C. 13 minutes, and D. 1 minute. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8 मिनट्स। नंबर 14, ए सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट अराउंड अ लार्जर बॉडी इज कॉल्ड अ ए स्टार, बी कॉन्स्टेलेशन, सी नेचुरल सैटेलाइट, डी एस्ट्रॉयड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेचुरल सैटेलाइट। नंबर 16, फोबोस एंड डीमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट। ए मार्स, बी मरकरी, सी नेपच्यून, डी यूरेनस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मार्स। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मून डज यूरेनस हैव। ए 12, बी 14, सी 27, डी 30। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 27। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग मॉर्निंग स्टार। ए जुपिटर, बी विनस, सी मार्स, डी सैटर्न। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विनस। क्वेश्चन नंबर 20, द प्लैनेट्स विथ रिंग्स राउंड ईच आर ए सैटर्न, बी जुपिटर, सी यूरेनस, डी ऑल ऑफ द मेंशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and watch full video. Thank you.